फरजत, फतेह शिकस्त, पावन किन और शेर शिवराज जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद में मराठी डायरेक्टर दिग्पाल लांजेकर अब शिवराज अष्टक की सिनेमेटिक यूनिवर्स की पांचवी फिल्म सूबेदार लेकर आ रहे हैं। अभिनेता चिन्मय मांडलेकर इस फिल्म में फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का किरदार करने वाले हैं, तो मृणाल कुलकर्णी राजमाता जिजाऊ का किरदार करने वाली है, और यही दो किरदार टीजर में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। टीजर में सूबेदार जी का चेहरा ना दिखाने के पीछे की वजह एक मिस्ट्री क्रिएट करता है। सूबेदार कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आर्मी में उनका क्या स्थान था, ये जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं। सूबेदार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैन्य की ऐसी पदवी है जिसे युद्ध में शौर्य दिखाकर कर्तव्य दिखाकर पाया जाता था। सूबेदार जी का पूरा नाम था सूबेदार तानाजी मालुसरे, और वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सैन्य में एक जवाबदार सरदार थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत सारी लश्करी मुहिमें चलाई थी। जिन मुहिमों में कोंडाना किला की मुहिम सबसे ऊपर आती है। कोंडाना किले के युद्ध में सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे अपने आखिरी दम तक लड़े, और उस युद्ध के कारण जब भी उनका जिक्र आता है तब उनके बोले हुए ये वचन याद आते हैं, आधी लगीन कोंडाण्याचे आणि नंतर माझ्या रायबाचे। इसका मतलब कोंडाना केले की पहले मुहिम फतेह करेंगे और उसके बाद में मेरे बेटे यानी कि रायबाग की शादी करेंगे, ऐसा होता है। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ने में आता है तब सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जी का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नजर आता है। मतलब सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे जैसी ही असंख्य नररत्नों के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन और स्वराज्य साकार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सूबेदार नरवीर तानाजी मालुसरे यानी कि सिंहगढ़ की लड़ाई इतनी बात काफी नहीं है। सूबेदार स्वराज्य को खड़े करने वाले पुराने नररत्नों में से एक थे। सूबेदार ये पद लश्करी और मुल्की ये दोनों तरफ से एक महत्वपूर्ण पद होता है। सूबेदार जी के युद्ध के अतुलनीय शौर्य के साथ साथ इस फिल्म में प्रशासकीय कौशल के ऊपर भी प्रकाश डालने का काम किया जाने वाला है। टीजर के शुरुआत में ही पहला मानाचा मुजरा ऐसा कह के उन्हें ठीक से सम्मान दिया गया है। टीजर में सूबेदार जी का पहाड़ जैसा कड़क आवाज और उनका स्वराज्य प्रेम ठीक से दिखाई देता है। सूबेदार का टीजर रिलीज होते ही अजय देवगन के तानाजी से उसकी तुलना होना लाजमी बात है। लेकिन जिस तरह से उम राउत डायरेक्टर तानाजी में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, सूबेदार इस फिल्म में इतिहास की इस तरह की छेड़छाड़ नहीं देखने को मिलेगी। तानाजी के डायरेक्टर ओम राउत ही आदि पुरुष इस फिल्म के डायरेक्टर है, और आदि पुरुष में जिस तरह से रायता फैला है ये देखकर बॉलीवुड से अब मन ही उठ गया है। मतलब बॉलीवुड राष्ट्रप्रेम जगाने वाली फिल्मों को ठीक से हैंडल ही नहीं कर सकता है, और ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में इनकी सिनेमेटिक लिबर्टी सातवें आसमान के ऊपर भी चली जाती है। हॉलीवुड को या साउथ की फिल्मों को कॉपी करने के चक्कर में बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सूबेदार ये सिनेमा 25 अगस्त को मराठी भाषा में रिलीज होने वाला है। दोस्तों सूबेदार का टीजर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।